करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग का एसएससी सीरियल 2019 में प्रॉफिट लॉस के आए हुए सवाल का हम सोल्यूशन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कैसे बड़े से बड़े सवाल को क्विक अप्रोच के द्वारा किस प्रकार से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। एक देखिए एग्जाम में जो भी सवाल आता है वो सारे बच्चे बना सकते हैं, वही सवाल जब उसको अगर घर में दिया जाए बनाने के लिए तो वो आसानी से बना लेता है, लेकिन जब वही सवाल एग्जाम में मिलता है तो नहीं बन पाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस इतना गलत सीखा होता है जो एग्जाम में वो काम ही नहीं करता है। तो हमें उस प्रोसेस को सीखना है कि क्वेश्चन को उस प्रोसेस को सीखना है जो हम एग्जाम में कम से कम समय क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, उस वजह को सीखना हमारा मकसद होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी क्लास को सही ढंग से देखेंगे, क्योंकि आज का जो क्लास आपको देने वाले प्रॉफिट लॉस का उसके अंतर्गत बहुत ही यूनिक सवाल और यूनिक कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन का उस मेथड का प्रयोग करेंगे और कम से कम समय के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम के प्रोसेस को सिखाना हमारा मेन मकसद है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग पूरे क्लास का आनंद लेंगे और आज के क्लास में कुछ नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए यूनिक मेथड को सीखेंगे और आप लोग भी क्लास को बहुत पसंद करेंगे। इसी उत्साह उमंग के साथ आज क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। सबसे पहले वीडियो को रोकिए, आप उस क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे, फिर हमारे मेथड को देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना चाहिए था। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। किसी वस्तु को अपनी लागत मूल्य से 10% कम पर बेचता है। क्या करता है? 10% कम पर अगर बेचता है वस्तु को, पहले इसका मतलब कितना बेच रहा था, 90% में कर। यदि उन्होंने इस सामान को 332 रुपया अधिक में बेचा होता तो 20% का लाभ कमाता। 10% कम में बेचेगा, 90% में बेचेगा। कर अगर 332 रुपया अधिक में बेचता तो 20% का लाभ कमाता, इसका मतलब कितना में बेचता है इसको, 120 में बेचता, 120% में। दोनों में अंतर कितने का हो गया बताइए खुद आप, 9 से 12 30% का अंतर है। यही 30% जो अंतर है वो कितना, जो सामान पहले 90 में बिक रहा था वो सामान 120 में बिक रहा है, कितने का अंतर, 30 का। यही 30 कितना ज्यादा दिया हुआ है, 332। तो आप खुद बताइए 1% कितना होगा, 332 गुना सॉरी कितना होगा बटा 30। पूछ रहा है वस्तु का, सवाल को दिखा गया तो सवाल में क्या पूछ रहा है तो बताएं वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या है। मूल विक्रय मूल्य मतलब 90% पूछा है, मूल विक्रय मूल्य नहीं था ना, मूल विक्रय मूल्य था। कह रहा अगर यह है मूल विक्रय मूल्य, कह रहा अगर 20% अगर आप 332 में ज्यादा में बेचते तब 20 का लाभ होता, तो बाद का था, मूल तो ये था। 90% आपको पूछा गया है, देखिए क्या होगा, 332 बटा 30 गुना 90 कितना होगा, 30 दिया 90, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, कितना हो गया, 996 रुपये। आपको पूछा गया था कि वस्तु का मूल विक्रय मूल्य क्या है, तो 996 रुपया। बहुत आसान सा सवाल था कि पहले क्या है, पहले 10% कम में बेचा, 90 में बेचा। आज कह रहा है अगर 332 रुपया अधिक में बेचे होते तो 20 का लाभ होता है। अब 120 में बिकता, कितना अधिक है, 32 है, 30 कितना अधिक, 332 है, कितना पूछा है, पर तो पूछा वास्तविक, वास्तविक तो ये था ना, बेचा तो इतना पे था, अगर इतना होता तो होता कि बेचा तो 90% पे था, इसका मतलब हो गया उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 996 रुपया। तेरे क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक दुकानदार एक आर्टिकल की कीमत उस पर अंकित करता है कि 28% छूट के बाद भी 12% का लाभ कमाता है। आप जानते हैं एमपी और सीपी का जो रेशियो होता है, एमपी होता है 100+ प्रॉफिट और सीपी होता है 100- डिस्काउंट, हमेशा ख्याल में रखिएगा। क्या कह रहा है, कितने का लाभ, 12% का लाभ कमाता है, मतलब कितना में बिका वस्तु, इसका मतलब एमपी कितना, 112 हो जाएगा, और छूट 28 का अगर छूट दिया, खुद बताइए अगर 28 का छूट देगा ये कितना हो जाएगा आपका, 28 का छूट है 72 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी वस्तु को 12% का लाभ पे एमपी और सीपी का अनुपात होता है, एमपी होता है 100+ प्रॉफिट और सीपी होता है 100 में डिस्काउंट, तो 12% का प्रॉफिट वाला एमपी 112 और 28 का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब उसका सीपी कितना, 72 का हो गया। अब देखिए कर्षण के देखिए क्या करें, कर यदि चिन्हित मूल 224 है, देखिए यहाँ एमपी 100, जब एमपी 112 है तब सीपी 72, यही 112 का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, 224, कितना गुना हो गया, 2 गुना, 112 2 गुना है, इसको भी 2 गुना कर दीजिए, कितना होगा, 2 × 4 = 14, इसका मतलब है कि वस्तु का जो सीपी है, वस्तु का सीपी कितना निकल गया, 142, कोई दम भी नहीं था सवाल, बस इसको ध्यान रखना है कि एमपी 100+ प्रॉफिट, सीपी 100- डिस्काउंट, सॉल्व करके निकाल लिए, आपका उत्तर आ गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को कॉन्सेप्ट सवाल समझ में जो रहा होगा, और भी मेथड है इसका उसको भी हम बता देते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या बनाने का, क्या कर रहा है, डिस्काउंट जब भी मिलेगा तो एमपी पर और लाभ जब भी होगा तो सीपी पर। क्या कर रहा है, 28% का डिस्काउंट हुआ, जो भी एमपी था उस पर अगर 28% का डिस्काउंट दिया, मतलब सामान कितना में बिका, 72% में बिका, ये बिका विक्रय मूल्य वस्तु, और कह रहा है उसको 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब दुकानदार जो है जो भी सीपी 20% के लाभ पर बेचा, मतलब वस्तु कितना बिका, 120 में, ये भी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये भी वस्तु का विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य एमपी पर डिस्काउंट के आधार पर, और ये विक्रय मूल्य सीपी पर लाभ के आधार पर, लेकिन दोनों तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपस में बराबर होगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका,
12% था ना, 112 हो जाएगा, 12% का लाभ है, ध्यान देख लीजिएगा 112। इसका मतलब हो गया एमपी बटा सीपी बराबर कितना हो गया 112/72, मतलब 72 रुपया अगर सीपी है तो एमपी कितना हो गया 112, यही 112 दिया हुआ है, कितना आपका 224, इसका वैल्यू कितना होगा, चूंकि दो गुना हो गया, ये भी दो गुना, कितना 2 × 4 = 7 × 14, इसका मतलब है कि वस्तु का जो सीपी हो जाएगा वो सीपी कितना हो जाएगा 144। कोई दम नहीं था, अगर मान लेते हुए 100 - d 100 + p अगर आप भूल गए पाइथागोरस किस तरीके का प्रयोग कीजिए, इसमें आप कभी मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है कि एक डीलर लागत मूल्य पे 40% ऊपर चिन्हित करता है, 40% पहले दाम को बढ़ा दिया, फिर क्या कर रहा है उस पर 20% और 25% का दो छूट देता है, एक छूट दिया 20% का और एक छूट दिया आपको 25% का, यदि उसे 140 रुपया का नुकसान हुआ, चलिए कोई बात नहीं है, 40% बढ़ा के लिखा, इसका मतलब क्या हुआ, 140 20 × 40 20 + 5 के समान में 2 बढ़ा के लिखा, 20 × 25 मतलब 5 का 5 में का कमी, और फिर 2500 का 104 में का कमी, मतलब 5 का समान अगर कोई एमपी था उस पे वो 7 अंकित कर दिया, और पहले 5 के समान में का डिस्काउंट 4 में दिया, फिर का 4 का समान 1 का डिस्काउंट 3 में दिया, 4 से 4 कैंसिल आउट, 25 और 7 = 21, अगर 25 रुपया में वस्तु को खरीदा था तो लास्ट में बेचा कितना में, 21 में, ये है सीपी हो जाएगा और ये उसका क्या हो जाएगा एसपी, क्योंकि ये प्रारंभिक शुरुआत कहां से किए, एमपी से, 5 रुपया सीपी था तो 7 रुपया उस पर अंकित किया, क्योंकि बढ़ा के लिखा अंकित किया, मतलब 25 रुपए के समान के किस में बेचा, लॉस कितने का हुआ, 4 का लॉस, यही 4 का लॉस, देखिए सवाल में कितने का लॉस दिया हुआ है, यही 4 का लॉस आपको दिया हुआ है, उसे 140 रुपए का नुकसान हुआ, यही 4 अगर 140 है तो सवाल में ये पूछा गया है लागत मूल कितना है 25, तो 25 कितना होगा 140/4 × 25, 4 × 3 = 12, बच गया 2, 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, 25 + 125 बच गया कितना आपका, 25 बच गया कितना 12, 25 + 75 = 12 कितना, 75 और 12 कितना होता है 87,875 रुपया, इसका मतलब हो गया वो वस्तु जो था उस वस्तु का जो सीपी आपका है, यहाँ नोट कर देते हैं, वो वस्तु का जो सीपी हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, वस्तु का सीपी हो जाएगा 875 रुपया, कोई दम नहीं था सवाल, पहले बढ़ा दिया 40%, 5 का सामान में 2 का वृद्धि कर दिया, फिर 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, 5 का सामान 7 लिख दिया, फिर अगर 5 लिखा तो 4 का छूट, फिर 4 में 3 का छूट, क्रॉस में कट रहा है, सबको काट के हटा दीजिए, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है आपको, ये 25 रुपया का सामान लास्ट में किस बिका, 4 कहानी, 4 140 है, 25 आपको निकालना है कि सीपी क्या, ये सीपी था ना 25 में खरीदे थे, लास्ट में छूट उठ दे करके किस में बेचे, 4 का हानि हो गया, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको पकड़िए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बचा क्या कर रहा है, अनु अपने उत्पादन की लागत में 25% पर एक लेख के विक्रय मूल्य को ठीक करता है, मतलब सीपी अगर 100 था लागत के 25% पर, तो मतलब इसका मतलब हो गया 25% मतलब क्या एसपी कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा उसका 125, क्योंकि 25% लेकर के वो उसका लागत विक्रय मूल्य ठीक करता है। अब कर रहा है सवाल में, यदि उत्पादन की क्षमता 20% यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, अब जो सीपी उसका ये पहला सीपी था, अब 20% की वृद्धि, अब नया उसका खर्च कितना आ रहा है, उस पर जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है 120 का आ रहा है, अब कह रहा है विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है और सेलिंग प्राइस जो पहले 125 का था उसमें 10% की वृद्धि हो गया, नया कितना हो गया 110/100, काट दीजिए 5 × 10 5 × 6 = 25 25 × 6 = 125 5 × 5 = 7 2/2, तो प्रॉफिट जो इसका हो जाएगा कितने का होगा 120 रुपया सीपी, इतना प्रॉफिट घटा देंगे दोनों को 240 घटा दीजिए 35/2 का प्रॉफिट, तो परसेंटेज प्रॉफिट आपको पता करना है कि 120 पर 35/2 का प्रॉफिट, तो 100 पर कितने का प्रॉफिट, 20 × 120 = 20 × 25 = 100, ये 6 × 12 5 बच गया 5 × 15 = 17 17/ कितना हो जाएगा 12, इसका मतलब कितना हो जाएगा 12 से भाग दीजिए इसमें 175 में आपको 12 से भाग देना है, कितना हो जाएगा 12 × 12 बच गया 48 14.6% भाग दीजिए 14.6% आपका उत्तर कितना आ गया 14.6%, कुछ दम नहीं था सवाल में, पहले सीपी 100 का था तब 25 एक्स्ट्रा में बेचता था, जो 25 में बेच रहा होता था, लेकिन कह रहा है जब लागत मूल्य में 20 की वृद्धि नया सीपी 120 का होगा और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि नया विक्रय मूल्य उतने का होगा, देखिए दोनों में सीपी में एसपी घटाएंगे लाभ मिला, लाभ हमेशा सीपी पर, इतना में इतना का वृद्धि, 100 पे कितने का वृद्धि 14.6%, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति ने अपने माल को ऐसे मूल्य पर चिन्हित करता है 40% का लाभ देगा, मतलब वो चिन्हित किया कि अगर सीपी अगर 100 का था तो 40 के लाभ पर चिन्हित किया, उसके एमपी कितना डाल दिया उस पर, वो 140 का एमपी डाल दिया, लेकिन बिक्री पर क्या किया वो 20% का छूट दे दिया, तो सेलिंग पर छूट हमेशा एमपी पर मिलता है, 140 रुपया तो लिख दिया था, इस पर वो छूट दे दिया 20% का छूट दिया, दाम कितना लिया 80% लिया,
80% दाम लिया, 14000 ठीक कितना होता है आपका 112 होता है ना, 812 होता है, मतलब 100 रुपया सीपी 112 में बेचा ऑटोमेटिक इसका प्रॉफिट कितने का हो गया 12%, क्योंकि 100 पे ही है, 100 रुपया सीपी वाले सामान को 112 में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना हुआ 12%, क्योंकि सीपी 100 का था, क्या कर रहा है 40% अधिक अंकित किया, 140 में अंकित कर दिया और बेचते वक्त 20% का छूट दिया, दाम कितना में हो गया 80% पे बेचा इसका मतलब, अब तो 140 का 80% 112 में बेचा, 100 का सामान 112 में बेचा, लाभ कितना हो गया 12%। सवाल क्या कर रहा है, एक व्यापारी, क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यापारी एक आर्टिकल को चिन्हित मूल्य पर 18% की छूट देता है, पहले ही बताएं एमपी और सीपी, एमपी होता है 100+ प्रॉफिट, हम बार बार लिख देते हैं चीज को ताकि जो पीछे नहीं देखे यहाँ से समझ सकते हैं, कर 18% की छूट दिया इसका मतलब सामान कितना हो गया 88%, अगर 18% की छूट दिया 88 हो जाएगा, यहाँ पे बात समझ रहे हैं 18 था ना, कितने का छूट दिया इसको 18% की छूट दिया मतलब दाम कितना हो गया 82% इसका आएगा, और लाभ कितने कमाया 6.6 का लाभ कमाया, मतलब 6.6% का वो लाभ कमाया, इसका मतलब एमपी का रेशो ये और सीपी का रेशो ये, पॉइंट हटाइए यहाँ पे 0 बन जाएगा, बस करना कुछ नहीं आपको, अब यहाँ छोड़ के देखिए क्या हो रहा है और निकालना क्या है जहां से देख लेते हैं, करने के लिए जो कितना चिन्हित करना चाहिए लागत कितना बढ़ा करके, मतलब 820 रुपया था लागत में इतना चिन्हित करना चाहिए, कितना बढ़ा के चिन्हित करना चाहिए, ये हो जाएगा 820, 20 मतलब हो जाएगा 180 और ये हो जाएगा 820 है ना, तो एक जीरो हटा देंगे 820 और 1066 666 है, कितना अंतर हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 6 में 2 गया 4, 10 में 7 गया 2, कितना 246 रुपया, इसका मतलब हो गया 246 रुपया अधिक अंकित करना चाहिए, तो प्रतिशत वृद्धि यही पूछा गया है, कितना अधिक मतलब अगर 820 रुपया उसका सीपी है 246 उसको एक्स्ट्रा अंकित करना चाहिए, तो 100 पर कितना 0 से 0 खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 से 41 और 2 से 2 बचे 10, अब देखिए यहाँ कट रहा है 6 बार में खत्म हो जाएगा 6 बचे 30%, कितना बढ़ा के अंकित 30%, कुछ दबाव में नहीं था, एमपी याद रखिए 100+ प्रॉफिट, सीपी 100 में डिस्काउंट, क्योंकि प्रॉफिट 6.6 का प्रॉफिट तो दाम 106.6 और 20 और यहाँ क्या है 18% का छूट तो 82% आपका सीपी होगा, पॉइंट हटाए 0 डाले मतलब 820 से 10-66 पर आए कितने की वृद्धि 240 की वृद्धि, 820 में इतने की वृद्धि, 100 पर कितने का वृद्धि कितना हो जाएगा 30%, आप चाहते या उसको काट के भी कर सकते, लेकिन काटने में वक्त बर्बाद हो जाता, काटे नहीं डायरेक्ट यहीं पे पुट किया, यहीं से उत्तर क्या किया इसको फाइंड आउट कर लिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल जो है समझ में जरूर आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, करा एक तिहाई सामान को 15% लाभ पर बेचा जाता है, एक तिहाई सामान 1/3 को 15% के लाभ पर बेचा जाता है, 25% का मतलब 1/4, 1/4 सामान को क्या बोला है 1/4 सामान को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, और कह रहा है तथा बाकी को 20% के हानि, बाकी बचा नहीं, टोटल अगर एक यूनिट था समझिएगा कोई भी भाग होगा अपने आप में एक होगा, 1/3 1/4 अगर बिक गया 1/3 और 1/4 कितना होगा आपका ये 4×3=7, 7/12 मतलब बचा हुआ भाग कितना रह गया 5/12, जो भाग आपका बचा हुआ है पूरे यूनिट एक में से 1/3 यहाँ 1/4 यहाँ बचा कितना 5/12, इस 5/12 भाग को क्या कर रहा है, इस 5/12 भाग को 20% के हानि पर बेच रहा है, 20% के लॉस पर बेच रहा है, तब जाकर फाइनली जो हुआ है लास्ट में 13.38 का लाभ हुआ, 138.50 का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, 3×5=15, 4×5=20 और ये कट नहीं रहा होगा तो काट काट के देख लेंगे यहाँ कितना आएगा 4×3=12, 4×5=20 ये हो जाएगा 5×5=10 माइनस 5×5=25, क्योंकि 5×5=10 यूनिट यहाँ पे आएगा 5×5=25 माइनस में माइनस आ जाएगा 5×5=25 25/3 यही आपका कितना है 138.50, तो सवाल के लास्ट में पूछा क्या इसको देख लीजिए, तो इतना है तो बताएं कि मूल उसका मूल्य क्या है, मूल्य आपको पूछा गया है, देखिए 10×30 5 5/3 यूनिट ये कितना होगा 138.50, 5 से काटिए 5×2=10 5×7=35 5×7=35 बच गया 3 5×7=35 इसका मतलब 1% हो जाएगा आपका 27×1 बच गया 2 27×1 2 23 का 3 बच गया 2 3×2=6 6×6=6 6×2=8 6×2=8 और एक अंक के बाद क्या करना है सवाल डाल देना है, तो पूछा है सामान का मूल्य अपने आप में कितना परसेंट है 100% सामान का मूल्य होता है 83100 और एक अंक के बाद मतलब डाल देना है, इसका मतलब है पूरे वस्तु का जो मूल्य आएगा वो मूल्य कितना आएगा 83100, बहुत आसान सा सवाल था,
तीन प्राथमिक भाग को 15% के लाभ पर प्लस रहेगा, 20% के लाभ पे प्लस रहेगा, और शेष बचा कितना, 1/3, 1/4 पूरे सामान में इतना सामान बिक गया, बचा कितना 5/12, ये बिका है 20% के लॉस पर। सब मिला के सॉल्व कर लेंगे, लास्ट में फाइनली जो लाभ और हानि घटा, जो लास्ट में लाभ मिला वो लाभ है कितने का, इतने का लाभ है, उनको घटाए 5/3, 1% आपका इतना, पूछा मूल मूल्य कितना होगा, 100% दाम होता है किसी भी चीज का, 8310 आपका उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं, सवाल बहुत सुंदर सवाल है, कह रहा है किसी लेख का आर्टिकल का विक्रय मूल्य लागत मूल्य से 8% अधिक है, मतलब विक्रय मूल्य जो लागत मूल्य से 8% अधिक है, जो अधिक है वही तो लाभ है। डायरेक्ट आपको ये ना कहे कि 8% के लाभ पर बेचा, आपको ये कहा 8% अधिक पे बेचा, जितना विक्रय मूल्य जितना अधिक क्रय मूल्य से जितना अधिक में सामान को बेचेंगे वही तो हमारा लाभ होगा, 8% अधिक पे बेचे मतलब वही हमारा लाभ है, 8% लाभ पर वस्तु को बेचते हैं जबकि छूट देते हैं कितने का, 10% का। आपको इस बात को पीछे ही बताया है, अभी एमपी और सीपी का जो रेशियो होता है, एमपी होता है 100+ प्रॉफिट और सीपी होता है 100- डिस्काउंट, तो क्या कह रहा है कितने का प्रॉफिट था, 8% का प्रॉफिट मतलब कितना होगा 108, और कह रहा है छूट कितने का दिया, 10% का छूट दिया, अगर ये 10% का छूट देगा दाम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं हमारी, तो सवाल में ये पूछा गया है बोल तो चिन्हित मूल्य के लागत मूल्य का अनुपात क्या है, लागत मूल्य का अनुपात पूछा है, बस काट के निकाल दिए, चिन्हित मूल्य है मतलब एमपी और लागत मूल्य सीपी, काट के निकाले यहाँ पे, देखिए यहाँ 18/5 90 और 18/5 खर्च के 108 का मतलब हो गया दोनों का रेशियो कितना हो गया, 6:5 का, कुछ नहीं सिंपल सा कहा, जितना अधिक दाम पे बेचे वही जितना अधिक लेंगे वही तो हमारा लाभ होगा, 8% अधिक मूल्य पर बेचे मतलब वही 8% हमारा क्या होगा, लाभ हो जाएगा, क्या मतलब 8% का लाभ 108 में, 12% और ये 10% का छूट दिया मतलब सामान 90 में, यह हो गया एमपी सीपी का रेशियो 6:5, यही आपका उत्तर हो गया। बहुत आसान सवाल था, ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है नेक्स्ट सवाल, बहुत सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, सवाल में ए बी को 20% हानि पर सामान को बेचता है, ए बी सी डी चार व्यक्ति है ना, ए 20% हानि पर अगर किसी सामान का दाम 100 था, 20% के हानि पर बेचा मतलब सामान कितना बेचा, इसको 80% पे बेचा, अब बी क्या कर रहा है, बी जो है सी को 12.5% के लाभ पर मतलब 12.5% का 12.5% का मतलब होता है आपको पता होना चाहिए 1/8 मतलब 8 में 1 का लाभ मतलब सामान कितना में बिका, 9/8 में, क्या मतलब ही ना होगा, 12.5% का लाभ का मतलब कितना हुआ, 1/8 में 1 का लाभ मतलब सामान कितना बिका, 9/8 में, 80 का 9/8 मतलब कितना हो गया, 80 सामान को कितना में खरीदा, 90 में, 80 का सामान कितना में इसको बेच दिया, 90 में, और फिर क्या कर रहा है डी जो है उस सामान को 8% के हानि पर, हानि ही होगा सी, शिव सामान को 8% के हानि पर बेचता है, 8% का हानि मतलब कितना सामान हो जाएगा, कुछ सोचे यहाँ 90 का ग्राउंड परसेंट दाम लिया, इसका मतलब ग्राउंड परसेंट हो जाएगा, जो जो कैंसिल आउट, जो जगह 9/8 बच गया, 9/8 बच गया, 1/82, 1/82 इसका मतलब कितना हो जाएगा, 82.8 यूनिट, मतलब डी जो है उस सामान को कितना में खरीदा, 82.8 यूनिट में, यही 82.8 आपका कितना दिया हुआ है, कितना में बेचा गया सामान को ध्यान देखिएगा, यही कह रहा है 248.40, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक मिनट आपका कितना हो जाएगा, 248 ये दिया हुआ है ना, 248.4 बटा हो जाएगा, जी हटा दीजिए पॉइंट, हटा दीजिए पॉइंट पर, दो साइड में लगा हुआ है 8.84 और बटा हो जाएगा यहाँ पे कितना 8.28, शायद ये कट जाएगा 8.24 तीन बार में खत्म हो जाएगा, कि मतलब एक यूनिट का वैल्यू अगर 3 है तो सवाल में पूछा क्या, बहुत यूनिक सवाल, यही सवाल होता थोड़ा सा अच्छा लेवल का था, पूछा क्या इसमें तो ए और सी द्वारा किए गए नुकसान का अंतर, ए का नुकसान कितने का है, 20 यूनिट का अंतर है, ए का नुकसान 20 यूनिट का है और सी का नुकसान 8 है, दोनों में जो अंतर है इसको 20 का हानि हुआ, इसको 8 का हानि हुआ, दोनों में इसको 8 का हानि हुआ ना, 8% का मतलब लॉस कितने का हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हानि निकालना है ना 8/100 जो कैसे 9/72 तो जगह 7.2 मतलब इसको जो लॉस हो रहा है वो 7.2 का लॉस हो रहा है, इसको 20 का लॉस हो रहा है, दोनों के बीच जो अंतर है लॉस का, वो लॉस का अंतर कितना है 12.8 का अंतर, अंतर ही आपको निकालना है, दोनों का जो अंतर हुआ है, दोनों के बीच हानि का अंतर कितने का है, 8/24 = 4 बच गया, 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 8 और 3 × 1 = 3, इसका मतलब हो गया दोनों के बीच जो लाभ का जो अंतर है, हानि का जो अंतर है दोनों के बीच का ए और सी का, वो अंतर कितने का है 38.4। एक सवाल दो था, बहुत सा सवाल था, फिर समझिएगा, ए 100 का सामान था, ए के लिए 100 में खरीदा, 20% के हानि पर बी को बेचा, सी में बेच दिया, अब सी क्या किया और बी क्या किया, 12.5% के लाभ पर सी को बेचा, कितना बेचा 90 में बेचा, और 90 क्या किया 8% के लॉस पर, 8% के लॉस का मतलब 67.2 का लॉस, लॉस पर डी को बेचा, तो डी कितना में खरीदा 82.8 में खरीदा, यही 82.8 जो है डी के लिए
कितना पड़ा, एक यूनिट इतना पड़ा, एक यूनिट का वैल्यू अगर आपका 3 है तो पूछा गया 22.8, क्योंकि ये पूछा है कि ए का हानि और सी का हानि, सी को हुआ हानि 7.2 का, ए को हानि हुआ है 20 का, दोनों का अंतर 22.8 का, 22.8 का कितना हो गया 8.4। बहुत अच्छा सवाल था, उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल समझ में जोर आया होगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलो चावल खरीदा, छूट पर मान लिए 80 किलो, एमपी 100 भी मान लीजिए, 10 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खरीदा, इसका मतलब 10% के छूट पर, 10 पे अगर 10% का छूट, 100 कर दें चले कर दें, 10 पे भी निकल जाता कोई दिक्कत नहीं था, अगर 10% के छूट पे बेचा तो 1 किलो को कितना, 100 रुपए वाले सामान को 90 में बेचा, और वो किस प्रकार से क्या कर रहा, 80 किलो चावल खरीदा, 80 किलो के लिए, अगर 1 किलो का 100 था तो 1 किलो को 90 में मिलेगा, 80 किलो के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा उसको, 7200 रुपया। लेकिन दुकानदार क्या किया है कि उसको हर के अलावा क्या कहा है, 1 किलो चावल हर 20 किलो पर फ्री देता है, अगर वो 20 किलो खरीदता है तो 1 किलो फ्री देता है, तो 80 किलो में क्या होगा, 4 टर्म में 20 किलो चार होगा, 4 किलो फ्री मिलेगा, 20 किलो पर 1 किलो, तो 80 पे कितना फ्री मिलेगा, 4 किलो फ्री मिलेगा। अब क्या कर रहा है वस्तु को, मतलब वो दिया दाम उस कितने का 80 किलो का, और उसको फ्री के रूप में मिला कितना किलो, उसको 84 किलो उसको दिया गया, 200 का 80, 1 किलो हर 20 पर 1 फ्री, तो 80 किलो में कितना, 4 बार फ्री मिलेगा 4 किलो, मतलब वो बेचेगा कितने को, 84 किलो को वो बेचेगा, और बेच रहा है अंकित मूल पर, अंकित मूल है कितना इसका, 100 रुपया अंकित मूल्य है, संग 100 रुपये को सबको आप बेचने में छूट में बेचा दो, अंकित मूल पे ही है, मतलब वो खरीदा 7200 में और उस सामान को 84 मिल गया, 84 को बेच कितना में दिया, 8400 में, आप खुद कर सकते हैं प्रॉफिट कितने का उठा लिया, प्रॉफिट उठा लेगा यहाँ पे कितने का, 12, कितने का प्रॉफिट उठाएगा वो, 1200 का प्रॉफिट उठाएगा, ये पूछा गया है परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, 7200 पर 1200 का प्रॉफिट, तो 100 पर कितने का, 7200 पे इतना का प्रॉफिट, तो देखिए यहाँ खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 72, 100 बार में खत्म हो जाएगा, 100 खत्म, 72, ये हो जाएगा कितना, 2 3 6, 2 से कितना होगा 50, इसका मतलब हो जाएगा 50/3, मतलब 16 3 16.2/3%, इसका मतलब है उसको जो प्रॉफिट हुआ पूरे व्यापार में कितने परसेंट का हुआ, 16%। बहुत अच्छा सवाल था, फिर समझिए, मान लिया एमपी 100, 10 भी मानते हैं केवल 100 एक जीरो कम हो जाता है और कोई अंतर नहीं होता, एमपी 100 10% के छूट पे बेच रहा है, 1 किलो को 90 रुपया में बेचेगा और 80 किलो बेच रहा है, कितना बेचेगा, 7200 में बेचेगा। अब कह रहा है वो प्रत्येक पर क्या कर रहा है, छूट दे रहा है, क्या कर रहा है कि जब वो 20 किलो खरीदता है तो 1 किलो फ्री मिलता है, इसका मतलब 80 किलो खरीदने पर 4 किलो फ्री मिलेगा, उसको मिल कितना गया, 84 किलो ना ले लिया वो, और बेचते वक्त क्या किया, 84 किलो को एमपी पर ही बेचा, एमपी 100 का था, सब मिला के बेचा कितना में, 8400 में, 7200 का सामान 8400 में बेचा, प्रॉफिट कितने का हो गया, 1200 का, इसका मतलब है पूछा परसेंटेज प्रॉफिट, 1200 7200 में 1200 का प्रॉफिट, तो 100 पे कितने का प्रॉफिट, 16.2/3%। लेकिन एक सवाल, बहुत सा सवाल है, केवल कैलकुलेशन है, सुधा ने 20% के हानि पर रेनू को 5-6 रुपया में एक लेख को बेचा, सुधा जो 20% के हानि पर बेची, मतलब 80% पर बेची, 80% यही कितना दिया हुआ है, 576 रुपया में बेची है, कितना 576 में, 1% कितना हो जाएगा, 576/80, और जो काट दिए 8 × 10 = 80, 8×56 बच गए, 8×9 = 16, मतलब कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 72/10, इसका मतलब अगर सीपी निकाला जाए तो 100% जो सीपी, अगर सुधा के लिए अगर सीपी ज्ञात किया जाए, सुधा के लिए सीपी कितना हो जाएगा, 720 रुपया सुधा के लिए। और फिर क्या कर रहा है सवाल में कि इसको इस आर्टिकल को रेनू ने अपने परिवहन पर 224 रुपया, रेनू क्या किए है, रेनू के लिए रेनू का जो सीपी बनेगा वो चूंकि 576 में तो सुधा से खरीदी 576 में, और ऊपर से उसमें खर्च कितना किया, 224 रुपया वो खर्च किए, इसका मतलब है वो रेनू के लिए वो सीपी बना कितना, 6410 7 2 9 7 2 9 10 5 2 7 1 8 कितना हो जाएगा, 800 रुपया, मतलब रेनू के लिए वो सीपी कितना बैठा, 800 का सीपी बैठा। और फिर क्या कर रहा है सवाल में, 720 और सुधा के लिए 720 रुपया का सामान था, रेनू के लिए वो सामान बैठा कितने का, 800 का, और जब रेनू जो उसको बेची है, रघु को ऐसी बेची है कि सुधा को 24% का लाभ हुआ, इसका मतलब है कि रेनू के लिए जो एसपी का काम करेगा, वो एसपी क्या काम कर रहा है, रेनू का जो एसपी काम कर रहा है वो क्या कर रहा है, कह रहा है वो जो मूल्य है ना वो सुधा के 24% के बराबर है, सुधा कितना 100% का 720 है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, 24%, क्योंकि सुधा के लिए 100, समझे फिर से, सुधा 100 रुपया 100% के लिए था, ये सुधा का सीपी इस प्रकार से बेचा है कि वो सुधा के 24% का लाभ हो, मतलब सुधा के लिए वो बिक्री मूल्य कितना होगा, 24% का होगा, अगर 100% इतना है 24% क्या होगा, कुछ सोच करके आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 100% आपका दिया हुआ है कितना, 720, ऐसा निकाल लीजिए, 1% आपका कितना दिया हुआ है,
72 बटा 10 तो निकालना है आपको 124% क्या होगा, खुद देखिए क्या होगा, 72 गुना 124 बटा 10 ये बन जाएगा इसके लिए, इसका क्या बन जाएगा, रेनू के लिए सीपी और रेनू के लिए एसपी बन जाएगा। तो पूछा क्या है सवाल में, शायद परसेंटेज प्रॉफिट पूछा गया होगा इसमें, तो बताएं कि सुधा को 24% का लाभ हुआ तो रेनू के लिए लाभ प्रतिशत क्या है, रेनू के लाभ परसेंट क्या होगा, इन दोनों का जो अंतर होगा वो उसके लिए क्या बन जाएगा, लाभ परसेंट बन जाएगा। देखिए लाभ परसेंट के लिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे बस हमें अंतर निकालना पड़ेगा। तो प्रतिशत लाभ के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ क्या है प्रतिशत लाभ, एक काम करते हैं इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके क्या मिलेगा, 72 गुना 124 बटा 10 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके क्या मिलेगा, ये आ जाएगा सॉल्व करके 852.8। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, सॉल्व करके ये आएगा, मतलब 800 रुपया सीपी उसके लिए था और उसके लिए एसपी बन गया इतने का। तो प्रॉफिट कितने का होगा खुद बताइए, जो प्रॉफिट बनेगा उसका 92.8 का प्रॉफिट होगा, मतलब 800 पर 92.8 का प्रॉफिट, तो 100 पर कितने का प्रॉफिट, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 × 8 और 8 × 8 बच गया कितना आपका 1, आप ही 8 × 8 बच गया कितना 4, 48.11% का। बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था यहाँ पे कि क्या क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिएगा, कह रहा है सुधा जो है अपने सामान को 20% हानि पर बेची, मतलब 576 में बेच दी, तो 80% हो गया 576, तो 100% कितना हो गया 720, या फ्रैक्शन में भी कर सकते थे 4/5, 4×576, तो 5 का वैल्यू 720 वैसा भी कर सकते थे, मतलब इसका जो सीपी हो गया 720 का। अब रेनू क्या कर रही है, 576 में तो खरीदी थी सुधा से, 576 में खरीदी थी और 224 रुपया ले जाने में खर्च हुआ, सब मिला 800 रुपया खर्च हो गया, और वो बेची क्या है, तो बेची इस प्रकार से है कि सुधा को अपने पे 24% का लाभ हो, मतलब सुधा को अगर 24% का लाभ हो रहा है, मतलब सुधा उस सामान को कितना बेच रही होगी 124 में, सुधा जो सामान 124 में बेचेगी वही सामान को, वही जो सुधा के लिए जो बिक जाएगा 124 के लिए होगा वही रेनू के लिए भी होगा, इसका मतलब है सुधा के लिए जो एक अगर 1% यहाँ देखिए 1% 72/10 था, सुधा के लिए 24% के लाभ, मतलब कितना बेच रही होगी सुधा, सुधा 124% में बेचती है तो कितना बेचेगी 852.8 में बेचेगी, मतलब ये हो गया सुधा के लिए विक्रय मूल्य, सुधा अगर 24% का लाभ लेके बेचती है तो विक्रय मूल्य कितना उसके लिए काम करेगा 852.8, और यही अगर रेनू बेचती है तो उसके लिए विक्रय मूल्य यही होगा, विक्रय मूल्य यही होगा, लाभ प्रतिशत घट बढ़ जाएगा लेकिन विक्रय मूल्य जो है ये आपका रेनू का विक्रय मूल्य, रेनू का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा 852.8 का, मतलब 800 रुपया में खरीदा 852.8 में बेचा, प्रॉफिट 852 का हुआ, तो प्रतिशत लाभ कितने का हो गया 11.6% का। बहुत अच्छा सवाल था, इसको आप लोग फिर बैक करके देखने का प्रयास कीजिए, कुछ नहीं करना है, बस ये ध्यान देना है यहाँ वाला बात, जो रेनू का जो सेलिंग प्राइस है ना वो सुधा के 24% के लाभ के बराबर है, सुधा अगर 24% के लाभ पर सामान को बेचती है मतलब कितना में बेचेगी 124 में बेचेगी, मतलब 24% का मतलब कितना हो गया 852.8, मतलब सुधा अगर 24% का लाभ लेकर वस्तु को बेचती है उसके लिए विक्रय मूल्य जो होगा 852.8 का, वही विक्रय मूल्य किसके लिए काम करेगा, दोनों के लिए भी काम करेगा, दोनों को निकाले तो इतने का हुआ लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लिया। लेकिन एक सवाल बहुत अच्छा सवाल है, कह रहा है 2160 रुपया में 48 वस्तु बेचने पर 10% का हानि होता है तो 12% का लाभ कमाने के लिए 2016 रुपया में कितने वस्तु हमें बेचना पड़ेगा, बहुत सा सवाल, इस तरह का सवाल जब भी मिले ना वस्तु वाला एक काम कीजिए एक्सपेंडिचर पहले फिक्स कर दीजिए, कि अगर मूल्य अगर एक्सपेंडिचर फिक्स कर देते हैं उसका मूल्य खर्च फिक्स कर देते हैं तो क्या होता है कि अगर एक्सपेंडिचर फिक्स कर दिया जाए तो वस्तु के जो वस्तु का रेशियो होगा उसका उल्टा मूल्य का रेशियो होगा, मूल्य के रेशियो का उल्टा वस्तु का रेशियो होता है। सबसे पहले क्या कह रहा है 2160 रुपया में बोला गया, ध्यान रखिए इसको, जब 2160 में 48 वस्तु बेचा 10% का हानि हुआ और उसी को जब लाभ कमाना चाह रहा है तो 12% का लाभ कमाना चाह रहा है तब वस्तु का मूल्य क्या 112 हो जाएगा, अगर ये 12 हो जाएगा तो देखिए यहाँ पे तो 2 से काट दिए 2 से 45 और 2 × 10 = 12 ये हो जाएगा आपका, बस ना 3 से कटेगा भी नहीं कटेगा, अगर प्राइस का रेशियो ये है तो क्वांटिटी का रेशियो कितना होगा 56/45, लेकिन हमें 2160 में पहले 48 वस्तु मिल रहा था, हमें इसको 48 करना है, अगर इसको 48 करना है तो क्या करेंगे इस रेशियो में हम 48/56 से अगर मल्टीप्लाई कर दें पूरे रेशियो में, अगर 48/56 मतलब क्या हो गया 8 से 56 इसका मतलब हो गया 6/7 से अगर मल्टीप्लाई कर दें रेशियो में 6/7 = 56/48 इसमें भी गुना हो जाएगा आपका 6/7 कटेगा नहीं 45/90 2 × 90 = 270/7 मतलब कहने का ये हो गया कि पहले 2160 में अगर 48 वस्तु मिल रहा था तो अब 2160 में ही कितना वस्तु मिलेगा 270/7 वस्तु मिलेगा, लेकिन हमें पता करना है कि 2060 में कितना मिलेगा, हमको सवाल में पूछा गया कि 2016 में कितना मिलेगा 2016 में, क्योंकि ये हमें मिलता है कितना रुपया में 2160 में
60 रुपया में मिलता है 270/7, तो 1 रुपया में कितना मिलेगा, 0 से 0 आपका खत्म हो जाएगा, 8 से 56 बच गया 5, 8 में 16 5 21, 8 बार में ये खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा आपका नीचे आएगा 8 से कितना, 1 मिनट अगर आपका 56 है तो पूछा गया है कि 20 16 में कितना मिलेगा, 20 16 बटा कितना होगा 56 हो जाएगा, 8 से 56, 8 दूना 16 बस गया 4 रुपए 40, 8 दूना 16 7 से काट दिए 27 21 बस गया 60, 7 से 42, इसका मतलब कितना हो जाएगा 36 वस्तु, मतलब अब 61 60 रुपया में जब वो बेच रहा था 28 वस्तु तो हानि हो रहा था, अगर वो 20 16 में 36 वस्तु को बेचेगा तो क्या होगा 12% का लॉस हो, मतलब प्रॉफिट हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ, इस तरह के सवाल में सबसे पहले ये करते हैं या एक्सपेंडिचर को पहले फिक्स कर देते हैं, जो पहला एक्सपेंडिचर था अगर 21 60 में ही 28 वस्तु मिल रहा था तो 10 का हानि हुआ, तो 21 60 में ही अगर वो इतना वस्तु को बेचेगा ना तो 12% का लाभ होगा, लेकिन हमको पूछा क्या 21 60 में नहीं, हमको पूछा है 20 16 में, 21 60 में अगर इतना वस्तु मिलता है तब लाभ होता है, तो 20 16 में कितना वस्तु मिलेगा 36 वस्तु मिलेगा। तो इस तरह का सवाल जब भी वस्तु वाला मिले ना तो आप हमेशा ऐसा कीजिए, एक्सपेंडिचर को पहले फिक्स कर दीजिए, क्या पूछा लास्ट में शुरू में जो दिया उसको फिक्स कर लीजिए, उसे रेशियो पलट लीजिए, जो लास्ट में मिले उसे कंपेयर करके उत्तर आपको निकाल लेना। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत ही बेहतर तरीका है। कुछ व्यक्ति इसको बटा के रूप में बटा भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको समझाने के लिए इतना लिखे हैं 90 था 112 हो गया, फिर इसको पलट देंगे या कितना ये 45 और ये आपका 56, ये प्राइस का रेशियो तो क्वांटिटी का रेशियो कितना कहेंगे, ये आपका कितना होगा 56/45 तो कंपेयर कर देंगे, बात एक ही होता है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, हम समझाने के लिए इस प्रकार से आपको लिख दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में जरूर आया होगा, अगर समझ में आया हो तो आज की कहानी को यही रखते हैं, आज कुल मिलाकर 13 सवाल हुए हैं, अभी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके बचे हुए हैं, वीडियो छोटा ही रखेंगे, ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, बस अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो, देखिए होगा क्या, जो बच्चे एक्स वाई करके बना रहे होंगे अब तक उनको थोड़ा परेशानी हो रहा होगा, लेकिन याद रखिए वो तरीका से आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, सिलेक्शन आपका वो तरीका से होगा जो हम आपको बताने का प्रयास करें, तो इस तरीके को आप लोग सीखिए, इसी से आपका भविष्य बनेगा और एग्जाम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, वही तरीका सीखना, इस तरीके को कहते हैं सिलेक्शन मेथड, वैसा मेथड पढ़िए जो सिलेक्शन मेथड हो, समझ गए ना बात को, बाह्यात मेथड पढ़ने से कोई फायदा हमें नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग आज क्लास में कुछ नई नई बात सीखने का मौका मिला होगा, फिर मिलते हैं बच्चे विशेष क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में।